क्या हाल चाल है भाई प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। सभी ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल हैं। बार कमेंट कर देंगे आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है, सब ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज के सेशन को बढ़िया तरीके से। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी ठीक ठाक है, कुशल मंगल हैं आप सभी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को, और हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे वह टॉपिक था हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। क्या था भी हमारा? एशिया कॉन्टिनेंट था, एशिया महाद्वीप था, और एशिया महाद्वीप को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जुड़ जाइए फटाफट से सभी लोग, फिर अभी स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड का समय ले लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा वो पीपीटी सेंड कर रहा था मैं, इसलिए क्लास लेट हो गई। तो हम लोगों ने लास्ट में आपको एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ाया था, और हमने एशिया के बारे में संपूर्ण बताया था। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक एशिया का मानचित्र आपके सामने गूगल से ले लेते हैं, एशिया मैप, है ना। तो मान लेते हैं कि हमने यह मानचित्र ले लिया एशिया का, हमने ये वाला एक बढ़िया सा मानचित्र, जी हाँ बिल्कुल, SD में भी है, और सेव इमेज कर दिया। ठीक है, चलिए, अरे ये खुलेगा ही नहीं। चलो, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। एक मिनट रुकना।
ठीक है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा उसमें खुलने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। हम इसको आपको मैं वैसे ही पढ़ा दे रहा हूँ, इसको प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, कुछ बोर्ड में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हो जाए। तो चलो ये खुल रहा है, चलो खैर इससे काम चला लेते हैं ना। चलो ठीक है, नोट सेंड कर अब हम। ओके ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने कल की क्लास में आपको यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा दिया था, यह जो पूरा का पूरा हमारा देश है, इस देश का नाम क्या है? तो इस देश का नाम हो जाएगा भैया रूस। क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा रसिया, हमने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया था। आज हम उससे आगे और देशों के बारे में बात करेंगे। हम कल से आपके हमने बताया था कि यहाँ वाले जो देश हैं उनको हमने दक्षिण पश्चिम एशियाई देश कहा है, ये वालों जितने देश हैं उनको हमने सार्क कहा है, यहाँ के जो देश हैं उनको हम आसियान देश भी कहते हैं उनको, हम उनको, और जो है दक्षिण पूर्वी देश भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और ये उत्तर देश और ये यहाँ पे पूर्वी देश। हमने आपको इस तरीके से और उसके बारे में डिस्कस किया था एशिया के मानचित्र में, प्रॉपर तरीके से हमने आपको बताया था कल। तो अब हम यहाँ पे सार्क देशों के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करेंगे, अपनी कॉपी पेन से निकाल लीजिएगा, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे? तो हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे श्रीलंका के बारे में, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले आप यहाँ पे श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में एक एक करके पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखिएगा कि श्रीलंका, लिखिएगा कि वर्तमान में इसकी राजधानी, वर्तमान श्रीलंका की राजधानी, वर्तमान श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम कोट्टो है, वर्तमान श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम कोट्टो है, प्रेजेंट कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज जयवर्धनेपुरम कोट्टो, जयवर्धनेपुरम कोट्टो। ठीक है जी, हाँ मनीष आनंद जी, आज पीपीटी नहीं खुल नहीं रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको वैसे ही पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इसकी जो राजधानी है वो राजधानी क्या हो जाएगी? तो राजधानी हो जाएगी जयवर्धनेपुरम कोट्टो। तो जयवर्धनेपुरम कोट्टो क्या हो जाएगी इसकी? वर्तमान में राजधानी हो जाएगी। अगला पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखकर लिखिएगा, लिखिएगा श्रीलंका का पुराना नाम, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, कब? 1971 में। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, इट्स ओल्ड नेम वाज सिलोन, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, लिखिएगा 1972 में इसका नाम बदल के, 1972 में इसका नाम बदल के लंका कर दिया गया। इन 1972 इट्स नेम वाज चेंज्ड टू लंका, 1972 में इसका नाम लंका कर दिया गया। वहीं 1978 में, 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्रीलंका श्री लगा दिया, वहीं 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री लगा दिया। ये वाला तरीका हमें ज्यादा अच्छा लगा। चलिए प्रशांत कुमार जी, 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री लगा दिया। ओके, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा कि भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं ये भारत है,
ये श्रीलंका है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, पाक जल संधि के द्वारा। तो लिखेगा भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, पाक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, पाक स्ट्रेट या पाक ट्रेटी, पाक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, पाक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, अगला पॉइंट लिखिएगा भैया, लिखिएगा कि श्री महावेली गंगा, ऐसे लिखिएगा, गंगा मत लगाइएगा पीछे से, ऐसे लिखिएगा, श्री महावेली नदी को श्रीलंका की गंगा कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, श्री महावेली नदी को श्रीलंका की गंगा कहा जाता है, श्री महावेली रिवर इज ऑल्सो नोन एज या कॉल्ड गंगा ऑफ श्रीलंका, गंगा ऑफ श्रीलंका, श्री महावेली नदी को श्रीलंका की गंगा कहा जाता है। चिरंजीव कुमार अकेला कह रहे हैं सर पाक मीन्स पाकिस्तान, नहीं भाई, पाक यहाँ पे नाम है, पाक एक अंग्रेज अधिकारी था, जहाँ पे आज नीचे भारत के यहाँ पे तमिलनाडु वाला हिस्सा है, वहाँ उसी तमिलनाडु वाले हिस्से में किसी समय एक भारत का जो प्रांत था, जिसको मतलब भारत के एकीकरण से पहले जिसका नाम था मद्रास, तो यहाँ मद्रास का एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था, एक अंग्रेज अधिकारी था जॉर्ज पाक, और जॉर्ज पाक के नाम पर हमने इस पाक जल संधि का नाम रख दिया, पाक जल संधि, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा भैया, लिखिएगा श्रीलंका के पूर्वी भाग में इंसेल वर्ग बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, श्रीलंका के पूर्वी भाग में इंसेल वर्ग श्रीलंका के पूर्वी भाग में इंसेल वर्ग अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इंसेलबर्ग इसके पूर्वी भाग में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इंसेलबर्ग आर फाउंड इन अबंडेंस इट्स ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लें कि सर ये बताएंगे इंसेलबर्ग क्या होते हैं, तो यहां लिख रहे थे भैया इंसेलबर्ग, और इंसेलबर्ग क्या होते हैं, इमेज पर चले जाते हैं तो आप देखेंगे तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये जो आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या होती है भैया, इंसेलबर्ग ही तो होती हैं, ये सभी की सभी आकृतियां क्या होती हैं, ये टोटल आकृतियां जितनी भी हैं ये सभी इंसेलबर्ग हैं। यह जो आकृति आप देख रहे हैं ये आकृति क्या भैया, इंसेलबर्ग है, कोई बात नहीं, इसको यहीं पे दिखा दे रहा हूं मैं ना, तो ये जो आकृति आप देख रहे हैं यह जो आकृति क्या भी है, ये आकृति है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, जैसे अभी आपके सामने क्या है, एक कठोर चट्टान का हिस्सा है, क्या है आपके सामने, एक कठोर चट्टान है आपके सामने, लेकिन किसी जमाने में यह एक प्रॉपर चट्टान हुई होगी, किसी जमाने में यह एक प्रॉपर चट्टान हुई होगी, लेकिन अब यह क्या एक कठोर चट्टान है। अब मान लेते हैं किसी जमाने में यह एक ऐसे चट्टान हुई होगी, अब जहां पर याद रख लीजिएगा, जहां पर आज ये जो खाली जगह है यहां पर किसी समय पे ऐसे पूरी चट्टान ये भरी होगी, बोलो हाँ के ना। अब मान लेते हैं कि यहां पर ऐसे करके पूरी तरीके से यहां पर ये चट्टान ऐसे भरी होगी ऐसे करके, और जब ऐसे करके यहां पर ये चट्टान भरी होगी तो धीरे धीरे क्या हुआ होगा,
हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, तेज हवाओं के द्वारा इसका अपरदन कर दिया गया। अपरदन का मतलब है कि जो इनके साइड में, ये जो इनके साइड में जो ये कच्ची मिट्टी थी, कमजोर मिट्टी थी, उस कमजोर मिट्टी को हवा के द्वारा क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया या उखाड़ दिया गया। अब केवल क्या बचा, अब बचा तो केवल ये सॉलिड चट्टान बची जिसका अपरदन नहीं हो सकता। तो यही क्या कहलाता है भैया, यही कहलाता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, इंसेलबर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, इंसेलबर्ग कहलाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, क्या कहलाता है यही, तो यही आपका कहलाता है, इंसेलबर्ग कहलाता है। इसके बारे में एक लाइन और लिख लीजिएगा, लिखिएगा इंसेलबर्ग के आधार आधार संकीर्ण होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। इंसेलबर्ग के आधार संकीर्ण, आधार संकीर्ण, आधार संकीर्ण होते हैं, मतलब जो इनके आधार है वो संकीर्ण है, पत्रे हैं। इंसेलबर्ग के आधार कैसे होते हैं, संकीर्ण होते हैं, पतले होते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, आगे चलें। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलेंगे, ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं वापस से ना। चलिए अब दूसरा अगला पॉइंट लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा, लिखेगा श्रीलंका को, श्रीलंका को, श्रीलंका को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इसे तपोवन, श्रीलंका को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इसे तपोवन, तपोवन हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, रत्नद्वीप, आंसू की बूंद, रत्नद्वीप, आंसू की बूंद, पूर्व का मोती, पूर्व का मोती, सिंहल द्वीप आदि कहते हैं। श्रीलंका को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे सिंहल द्वीप, तपोवन, रत्नद्वीप, आंसू की बूंद, पूर्व का मोती। इट्स नोन बाय मेनी नेम्स लाइक तपोवन, रत्नद्वीप, आंसू की बूंद को लिख सकते हैं, है ना, पूर्व का मोती, सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप, पूर्व का मोती, आंसू की बूंद लिख सकते हैं, ड्रॉप ऑफ टीयर्स अंग्रेजी में लिखना चाहे तो। ठीक है, तो श्रीलंका को कई नामों से जाना जाता है। अगला पॉइंट लिखेगा, लिखेगा भारत के तमिलनाडु से लेकर, भारत के तमिलनाडु से लेकर भारत के तमिलनाडु एनटीएन तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका के, श्रीलंका के तलैया मन्नार क्षेत्र, श्रीलंका के तलैया मन्नार क्षेत्र तक, भारत के तमिलनाडु से श्रीलंका के तलैया मन्नार क्षेत्र तक राम सेतु बना हुआ है, राम सेतु बना हुआ है, जिसे आदम का पुल भी कहते हैं, जिसे आदम का पुल भी कहते हैं, जिसे आदम का पुल भी कहते हैं। जिसे आदम का पुल भी कहते हैं, लास्ट लाइन क्या रे भैया, यार सभी लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, इतना धीरे धीरे बोल रहा हूं, इतना प्यार से लिख लिख के पढ़ा रहा हूं, फिर भी आपके डाउट है,
अजी मैं रिपीट कर देता हूँ बार बार, थोड़ा ध्यान से समझो, हर बार कोई ना कोई लास्ट लाइन, जे लाइन, ए बाई लाइन, थोड़ा पढ़ लीजिए भैया। सर ये नेचुरल पुल है या आर्टिफिशियल है? नेचुरल है, जो भगवान श्री राम के द्वारा बनवाया गया था वही वाला है, है? तो लेकिन भारत के तमिलनाडु से लेके श्रीलंका के तलैया मन्नार क्षेत्र तक राम सेतु बना हुआ है, जिसे आदम का पुल कहते हैं। इंग्लिश वाले लिखिएगा, फ्रॉम तमिलनाडु इंडिया टू तलैया मन्नार रीजन इन श्रीलंका। राम सेतु इज बिल्ट विच इज कॉल्ड एडम्स ब्रिज। Which is called Adam's Bridge. ठीक है, समझ में आ गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, श्रीलंका के दक्षिण में हम्बनटोटा बंदरगाह है, बहुत फेमस है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। हम्बनटोटा पोर्ट इज इन सदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के दक्षिण में हम्बनटोटा बंदरगाह है। हम्बनटोटा बंदरगाह है। अगला पॉइंट लिखेगा कि श्रीलंका की मूल जनजाति, जो पहले यहां की निवासी थी, श्रीलंका की मूल जनजाति बेद्दा जनजाति है। बेद्दा ट्राइब इज द मेन ट्राइब ऑफ श्रीलंका। अगला पॉइंट लिखिएगा, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अगर बन सकता है श्रीलंका से, तो एक बन सकता है श्रीलंका से, आपने राजा अशोक का नाम सुना होगा हिस्ट्री में, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा टू श्रीलंका फॉर स्प्रेड बुद्धिज्म।
फोर स्पीड बुद्धिज्म, ठीक है। चलिए, फोर स्पीड बुद्धिज्म, यहां पे ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलेंगे। यहां पे आप इसके बारे में समझ चुके हैं ना, यहां पे इनके बारे में समझ चुके हैं, अब आगे चलेंगे। तो आप श्रीलंका के बारे में पढ़ चुके हैं, इधर उधर रशिया के बारे में पढ़ चुके हैं, भारत के बारे में तो हम अलग से अध्ययन करेंगे करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे पाकिस्तान के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पाकिस्तान, एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, सामान्य भूगोल पढ़ा रहा हूँ, इसको कम से कम आप ध्यान से पढ़ लीजिए, पेपर में प्रश्न आएंगे, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। हेडिंग डाल लीजिए पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान से अलग होकर के बना। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान से अलग होकर बना। 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान से अलग होके बना। पाकिस्तान वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान, ठीक है, 14 अगस्त 1947। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, इससे पहली वाली लाइन क्या लिखी है, कोई बताओ। नूरजहान जी बाद में लिख लीजिएगा, फोन पे पहले बात कर लीजिए। मैडम जी एक बार कोर्स के तो देखना पड़ेगा ना, इतना इंपॉर्टेंट कॉल था, तो बाद में वीडियो देख लीजिएगा। बेस्ट वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू मित कुमार, कुछ तो पसंद आए आप लोगों को और ना आप लोगों के अलग ही नखरे। तो याद रख लीजिएगा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होके बना। देखिए पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे, लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा थे। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज लियाकत अली खान एंड ऑल्सो फर्स्ट प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा। पहले आपकी क्लास बोरिंग लगती थी बट अब इंटरेस्टिंग लगती है। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया राज जी, कीर्ति अनुकरी सर ऐसे पढ़ाइए। चलिए आपकी बात तो माननी पड़ेगी कीर्ति जी, है ना, फिर से आप मेल कर देंगी हैं। लेडीज थी क्या सर? नहीं भैया, दोनों आदमी थे, थी लिख दिया क्या मैं हैं। इस लियाकत अली खान और इस्कंदर मिर्जा, पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा। आपने बोला थी, अच्छा अरे नहीं भैया, सर अभी पीएम कौन है? अभी तो इमरान खान थे ना कुछ समय पहले, इमरान खान को हटा करके और जो है कुछ और थे ना, तो वे थे ना, ठीक है। अच्छा नहीं करेंगे सर, अब तो फ्रेंड्स हो गए आप, अच्छी बात है। चलिए बेस्ट टीचिंग सर, जिन्ना कौन थे? डट जा चिरंजीव मेरे भाई, डट जा, रुक जा, पहले बात नहीं मानते थे। अच्छा जी, हाँ शहबाज खान,
इधर कम्युनिकेशन हो रहा है, उधर तुम बीच में गड़बड़ किए दे रहे हो, हैं? ठीक है, ऐसे आप सभी मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सभी भी जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, कमेंट में मैंने आपको मैसेज करके अपना नंबर भेज दिया है, आप सभी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ये मेथड से सर बचपन से पढ़े हैं। चलिए ठीक है, मिल गया ना सबको, एक बार यस लिख देना। आप सभी को मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल गया ना, तो यस लिख देना सभी लोग कि हाँ सर जी, यस सर, हाँ। तो सभी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, फिर लिख लेना, अभी बाद में भूल जाओगे, कॉपी में लिख लेना। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे और पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा थे, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा पहले गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना थे, पहले गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना थे, फर्स्ट गवर्नर वाज मोहम्मद अली जिन्ना, फर्स्ट गवर्नर वाज मोहम्मद अली जिन्ना, पहले गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्हें रत्नेश आचार्य जी, कमेंट देखिए भैया, कमेंट देखिए, जहां पे आप कमेंट कर रहे हैं वहां पर मैंने भेजा है। पहले गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्हें पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है, जिन्हें पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है, पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, हु इज कॉल्ड फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। बैनर्जी भुट्टो को अंतिम शादी पूछ लेना, खानदान पूछ लेना पूरा पाकिस्तान का, यहाँ पाकिस्तान का पूरा खानदान तो पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, उसका दादा कौन था, बाबा कौन थे, अरे मान जाओ सबके सब, पढ़ लो चुपचाप से जो काम काम की चीज है। फिर बैनर्जी भुट्टो फिर पूछ लेना इमरान खान कौन थे ना, है वाह भाई वाह। फिर अभी जो राष्ट्रपति आरएफ एलवी उनके बारे में पूछ लेना, सर वो भी बता दो कौन कौन थे। फिर पूछ लेना चौधरी रहमत अली कौन थे, अरे हजब कर रहे हो भाई। तो जिन्हें पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेगा, लिखेगा पाकिस्तान के द्वारा मोहम्मद, पाकिस्तान के द्वारा जिन्ना को दो उपाधियां, जिन्ना को दो उपाधियां कायदे आजम, कायदे आजम, क्वेश्चन को लिख लेना था, इसका अर्थ होता है महान नेता, ग्रेट लीडर। मोहम्मद अली जिन्ना को दो उपाधियां दी गई थी पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को दो उपाधियां दी गई थी, नंबर एक कायदे आजम जिसका अर्थ होता है महान नेता, नंबर दो बाबा ए कौम, बाबा ए कौम जिसका अर्थ होता है राष्ट्रपिता, नेशन फादर, नेशन फादर। पाकिस्तान gives, पाकिस्तान give two title to मोहम्मद अली जिन्ना, first कायदे आजम means great leader, second बाबा ए कौम means nation father। कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो, वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि the title कायदे आजम and बाबा ए कौम given by पाकिस्तान
टू मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, उनको ये दो उपाधियां दी गई थी। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखेगा लिखेगा कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग, पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया। दी वर्ड पाकिस्तान फर्स्ट टाइम यूज्ड बाई चौधरी रहमत अली इन 1933। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या बात है भाई आजकल, मतलब आजकल आप, आज आप लोग सारे लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मतलब क्या क्या चक्कर क्या भाई, कोई हैं? मैंने तो कोई जादू वादू तो कोई करवाया नहीं, लग रहा कोई जादू वादू हो गया क्या आप लोगों पे, आज सब लोग तारीफ कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, लिखकर जो पढ़ा रहे, करंट पीएम अभी पाकिस्तान के शहबाज आलम, जी हाँ। आज का व्यू ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है, पीपीटी से बोरिंग लगता है, लिखकर अच्छा लगता है वास्तव में सर जी, नाइस क्लास, लिखकर वो भी अच्छा, पीपीटी से मजा नहीं आता सर, लिख के आता है। ये बात तुम बता नहीं सकती कीर्ति जी, ये बात तो मेल कर करके कह नहीं, ये बात तो हमें बता सकती। अच्छा वैसे ऐसी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है ना, ये देसी लैंग्वेज है ना सर, अच्छे से पढ़ाते हैं। ओके आप हो ही इतने अच्छे, आज नहीं मानोगे भाई, चौधरी और अली दोनों कैसे, अमरीश यादव जी हो सकते हैं, इस्लाम धर्म में नहीं मुसलमानों में भी तो चौधरी होते हैं, आप ब्लॉक कर देते थे कैसे वो, ये बात तो है। चलो कीर्ति अनु, इसके बदले जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो फिर एक एक पार्टी करेंगे बढ़िया मेरी तरफ से, आप सभी को हैं, सभी को एकदम बढ़िया मेरी तरफ से, पूरी क्लास को एक पार्टी मिलेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सबका यहीं बुलाएंगे बढ़िया गुड़गांव में तुम सबको। वैसे भी आप सभी बिहार विहार से कहाँ से हो भाई आप सभी, वैसे 9 तारीख को हम लोग मिलने आ रहे हैं, आप लोग आओगे? जी सर पक्का, 9 जनवरी को मतलब 9 जुलाई को हम लोग आपके पटना में आ रहे हैं, तो आप लोग मिलोगे, कहाँ कहाँ से हो? वैसे आप सभी के पास मैं नंबर तो भेज दिया ना, तो आप सभी ना मैसेज करना कौन कहाँ से है, करोगे मैसेज? ठीक है, सभी लोग मैसेज करना कौन कौन कहाँ कहाँ से किस किस जिले से हैं, हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, संडे को आ रहे हैं हम लोग 9 जुलाई 2023 रविवार, ज्ञान भवन ऑडिटोरियम पटना में। पटना आपके यहाँ से कितना कितना दूर है भाई? सर मैं तो नोएडा में रहती हूँ। अरे नोएडा तो गुड़गांव के नज़दीक है, हमारी ऑफिस गुड़गांव में। सर हम दिल्ली में रहते हैं बट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है वैसे। अरे बताओ इतने नज़दीक होने पे, दिल्ली तो नज़दीक है गुड़गांव, आ जाओ फटाफट से संडे को पार्टी देने। ठीक है चलिए आगे बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये बात क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे चलेंगे, तो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया। अगला पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, अगला पॉइंट लिखिएगा भैया जल्दी से लिखिएगा, लिखेगा मनुष्य के द्वारा
सबसे पहले कृषि, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कृषि, द फर्स्ट टाइम फार्मिंग, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कृषि आज से 7,000 साल पहले, आज से 7,000 साल पहले पाकिस्तान की सुलेमान और किरथर, पाकिस्तान की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में की। ठीक है, द फर्स्ट फार्मिंग टुक प्लेस इन वर्ल्ड अबाउट 7,000 ईयर एगो इन सुलेमान एंड किरथर हिल्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की सुलेमान और किरथर में की थी सबसे पहले। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा कि पाकिस्तान के दो बंदरगाह कराची और ग्वादर फेमस हैं। पाकिस्तान के दो बंदरगाह कराची और ग्वादर प्रसिद्ध हैं। पाकिस्तान के दो बंदरगाह कराची और ग्वादर प्रसिद्ध हैं। ये तो हिस्ट्री है सर, क्लास सिक्स की। हाँ जी, तो है तो पाकिस्तान से, इसलिए लिखा दिया। कराची और ग्वादर प्रसिद्ध हैं, जिसमें ग्वादर बंदरगाह चीन के अधिकार क्षेत्र में है, जिसमें ग्वादर बंदरगाह चीन के अधिकार क्षेत्र में है, जिसमें ग्वादर बंदरगाह चीन के अधिकार क्षेत्र में है। जिसमें ग्वादर बंदरगाह चीन के अधिकार क्षेत्र में है, चीन के अधिकार क्षेत्र में है। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अब नेक्स्ट लिखिएगा अफगानिस्तान। अगला जिस देश के बारे में बात करेंगे वो देश क्या हो जाएगा हमारा? अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, मिल जाए भाई कोई बढ़िया सा मानचित्र। नहीं मिलेगा लगता है, टूल्स पे जाना है, साइज पे जाना है, लार्ज कर देना है, सिंपल मिलेगा। अफगानिस्तान में लिखेगा इसकी राजधानी काबुल है, इसकी राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान में लिखेगा इसकी राजधानी काबुल है। इसकी राजधानी काबुल है। डॉकयार्ड, बंदरगाह को इंग्लिश में बोलते हैं डॉकयार्ड या पोर्ट बोलते हैं, डॉकयार्ड कुछ ही बोल सकते हैं आप, पोर्ट या डॉकयार्ड। इसकी राजधानी काबुल है। ठीक है, तो इट्स कैपिटल इज काबुल। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, क्या हिंदू कुश पर्वत श्रेणी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी हिंदू कुश पर्वत श्रेणी पाकिस्तान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? हिंदुकुश पर्वत श्रेणी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान डिवाइडेड या डिसाइडेड लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई हिंदुकुश माउंटेन रेंज, हिंदुकुश माउंटेन रेंज, हिंदुकुश माउंटेन रेंज। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा यहां पर ऐसे लिखिएगा, अफगानिस्तान में ड्राई फ्रूट्स का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अफगानिस्तान में ड्राई फ्रूट्स, सूखे जो फल होते हैं, मेवा मिष्ठान, ड्राई फ्रूट्स तथा अफीम का उत्पादन, ओपियम बोलते हैं इंग्लिश में, ओपियम, अफगानिस्तान में ड्राई फ्रूट तथा अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है अफगानिस्तान में, ड्राई फ्रूट और अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, अगला पॉइंट लिखिएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान विश्व में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, विश्व में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, विश्व में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान ऑल्सो फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओपियम इन वर्ल्ड लेवल। तो ये अफीम के उत्पादन के लिए फेमस हैं, प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसलिए इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से, इसलिए इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं, गोल्डन क्रेसेंट, CRESENT, ऐसे पूछा जाता है हिंदी में भी, गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं। तीनों को क्या कहते हैं? गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं। अफीम क्या है? अफीम एक बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है, बादाम बादाम की तरह काफी बढ़िया चीज है, खाने से बॉडी बॉडी बढ़िया बढ़िया बनती है अफीम खाने से, समझ रही मधुमाला कुमारी जी? अफीम एक बहुत बढ़िया चीज है, पटना वटना साइड में तो मिल जाती है, ऑर्डर करिएगा मधुमाला कुमारी जी। घर में अगर कोई बड़ा हो, यदि आप भी बड़ी हैं तो मतलब घर में किसी पुरुष से कह के मंगा सकती हैं और अफीम का सेवन कर सकती हैं, बढ़िया चीज है। ठीक है, समझ रहे हैं?
सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आप पियाएंगे मधुमाल, अफीम क्या है सर, बता तो दिया भाई। ठीक है, अफीम एक बहुत अच्छे स्तर की नशे की चीज़ है। वैसे प्राचीन समय में इसका उपयोग औषधि के रूप में होता था, लेकिन अभी इसको जो है नशा अच्छी होती है। मैंने काफ़ी कोशिश की थी मंगाने की, लेकिन प्योर अफीम मुझे मिल नहीं पाई। लोकल यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव में होती है, तो देखो मैंने टेस्ट की थी, वैसे हल्का सा नशा होता है, समझ रहे हो। चलिए अगला पॉइंट लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, लिखेगा अफगानिस्तान की मूल भाषा पश्तो है। अफगानिस्तान की मूल भाषा पश्तो भाषा है, पश्तो भाषा यहां बोली जाती है। अफगानिस्तान की मूल भाषा पश्तो भाषा है। अगला पॉइंट लिखेगा, लिखेगा अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की, अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की संसार की सबसे ऊंची मूर्ति थी, जिसे तालिबान ने तोड़ दिया, बम मार के तोड़ दिया ससुरों ने, जिसे तालिबान ने तोड़ दिया। द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ महात्मा बुद्ध, द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ महात्मा बुद्ध इन अफगानिस्तान कोस्ट में लिख लेना, बामियान जो जगह थी वहां पे थी, अफगानिस्तान का एक प्रांत है बामियान प्रांत। द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ महात्मा बुद्ध इन अफगानिस्तान, क्वेश्चन बोले कितना, बामियान, विच वाज डिस्ट्रॉयड बाय द तालिबान। ठीक है भैया, देखना चाहोगे बामियान, दिखाता हूँ ये आपको, संसार की सबसे ऊंची थी बुद्ध की प्रतिमा बामियान बुद्धा, ये देख लीजिए। ये दिखा दीजिए, चलो तो ये थी आपकी बामियान बुद्ध की प्रतिमा, देख पा रहे हो यहाँ पे, इस साइड में लगा देता हूँ, है ना, इस साइड में देख लो, तो ये संसार की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा थी, बामियान बुद्ध की प्रतिमा, लेकिन इसको तोड़ दिया। ठीक है, समझ रहे हो, इसको तोड़ दिया, अब क्या है, कुछ नहीं बचा। चलिए चलिए, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया यहां तक, हाँ सर ये बात समझ में आ गई, बोलो। उतना ही मैप ले लेता हूं जितना काम का है जी, है ना, समझ रहे हैं। चलो अब यहाँ तक इस साइड में जो हमारे रेंज में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान नीचे श्रीलंका हो गया, अब इधर आ जाएंगे नेपाल के बारे में, किसके बारे में आ जाएंगे, अब आ जाएंगे नेपाल के बारे में, तो हेडिंग डाल लीजिएगा नेपाल,
हेडिंग डाल लीजिएगा नेपाल। क्लास कब तक चलेगी? बस 5-7 मिनट और चलेगी, इसी नेपाल को फिनिश कर देते हैं फिर क्लास को एंड कर देंगे। आप कहें तो इसको भी ना करें, बताओ। ठीक है, कोई नहीं, वैसे भी टाइम हो गया तो इसको करेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है, अच्छा आप लोगों की एक समस्या आई है, पीडीएफ शोर मचाते रहते हो। तो देखो आपके सामने इसको इंपोर्ट कर दे रहा हूँ एक्सपोर्ट पीडीएफ के रूप में। देखते जाना, एशिया कॉन्टिनेंट बीपीएससी पीडीएफ, पूरा नाम से सर्च कर दे रहा हूँ, एशिया कॉन्टिनेंट बीपीएससी पीडीएफ। ठीक है, अभी फाइल कर दे रहा हूँ, इस फाइल को टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूँ, जा करके आप लोग टेलीग्राम से इस फाइल को ले लेना। टेलीग्राम पर भी और वैसे भी आपके पेड बैच में इसको लगा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको पता है ना किस नाम से सर्च करना है, SST बाई अनुपम सर के नाम से। जैसे यहाँ भी सर्च करना पड़े, मान लेते हैं टेलीग्राम पे मिल जाए यार। ये तो गजब हो गया जी, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, SST बाई अनुपम सर आ गया। तो टेलीग्राम चैनल है मेरा SST बाई अनुपम सर के नाम से, ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर देखो गए हम डॉक्यूमेंट में और हमने एशिया कॉन्टिनेंट बीपीएससी पीडीएफ आपके सामने सेंड कर दिया हूँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। बाकी भेज दीजिए टेलीग्राम पे, बाकी भेज दूंगा यहाँ पे, जितनी भी होंगी सारी की सारी भेज दी जाएंगी। ठीक है, चलो कल मुलाकात करेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। फीडबैक दे जाना, बढ़िया बढ़िया सा, समझ रहे, बढ़िया सा फीडबैक दे जाना सभी लोग।